दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इन्फिनिक्स के 08 का बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे एंड इन्फिनिक्स ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पे टीजर डालना चालू कर दिया कि ये स्मार्टफोन आने वाला है इंडिया में। कल उन्होंने रिवील कर दिया कि कब आने वाला है, लेकिन इन्फिनिक्स 08 नहीं आ रहा है, उसका छोटा भाई इन्फिनिक्स 08 आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि 08 क्यों नहीं आ रहा है और आएगा भी या नहीं, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ 08i ही लिख के आ रहा है। क्या स्मार्टफोन है, क्या डिफरेंस होगा ये 08 से, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन सेम है सब चीजों में, खाली एक दो चीजें छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं। क्या है सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। चलते इस वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे इसके लॉन्च डेट की। 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। अगर आप वहां पे जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है और 08i ही बता रहे हैं अभी, 08 के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। एंड स्मार्टफोन अच्छा है, 08i भी अच्छा है अगर अच्छी प्राइस पे आता है। मेरे हिसाब से अगर 13,000 के आसपास की प्राइस पे आ गया, 14,000 के आसपास की प्राइस पे, तो धमाकेदार स्मार्टफोन हो जाएगा। अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.85 इंच का वही डिस्प्ले मिलता है जो इसमें, सारे स्पेसिफिकेशन 08 वाले ही हैं सबके सब। क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। सबसे पहले डिस्प्ले डिजाइन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको 6.85 इंच का आपको IPS का पैनल मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ड्यूल पंच होल दिया हुआ है जो कि अच्छी चीज है। रियर साइड पे जाओगे तो आपको डायमंड शेप में आपको कैमरा सेटअप मिलता है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे आओगे तो इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। स्मार्टफोन देखने में अच्छा लग रहा है, लिटरली अगर कहूं 13,000-14,000 के आसपास की प्राइस पे आता है तो दिखने में बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों ये। इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करोगे तो इसमें भी आपको MediaTek का वही G90T वाला ही चिपसेट आएगा। अच्छा है, 13,000-14,000 के हिसाब से अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 12N पे बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक दे देगा, परफॉर्मेंस धमाकेदार है। 2,80,000 के आसपास इसका भी स्कोर आता है। एंड देन उसके बाद बात करोगे तो कोर्स जो है वही A76 और A55 वाले एकदम नए वाले हैं, यानी परफॉर्मेंस आपको धमाकेदार मिलेगा। माली G76 MC4 का GPU है जो कि गेमिंग ग्राफिक्स मक्खन की तरह चला लेगा। अभी आपको मालूम है पबजी आने वाला है, HDR पे खेल सकते हो, मक्खन की तरह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़े से हीटिंग के इश्यूज हैं, यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज चिपसेट धमाकेदार है। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा जो कि उनका XOS 7 है, उसके ऊपर आने वाला है। थोड़े से ब्लॉटवेयर रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे। इसके बाद चलते हैं कैमरा सेक्शन में। यही जो है कैमरा डिपार्टमेंट, ये इन्फिनिक्स 08 और 08i में डिफरेंस है। 08 में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता है, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता है। 48 प्लस 8 प्लस 2 और एक AI का सेंसर मिलता है। 48 मेगापिक्सल वाला सोनी का सेंसर दिया हुआ है, अच्छी चीज़ है। सारी चीज़ें कर लोगे, बुके पैनोरमा HDR कर लोगे, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे, सब चीज़ मिल जाएंगे। रियर साइड पे फ्लैश भी दिया हुआ है। फ्रंट में आओगे तो यहाँ भी डिफरेंस है। 08 में जाओगे तो वहाँ पे 48 प्लस 8 का है, यहाँ पे 16 प्लस 8 का कैमरा दिया, यानी फ्रंट में भी आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। फ्रंट साइड से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे। कैमरास प्राइस के हिसाब से अगर 13,000-14,000 तक आता है तो मैं कहूँगा डिसेंट दिए हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है वो इन्फिनिक्स 08 जैसी हैं। बैटरी आपको 4,500 mAh की मिलती है, 33W का चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बैटरी फास्ट चार्जर दोनों मिलते हैं। सेंसर्स भी आपको सारे मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक अच्छी तरह काम कर लेता है, एक्सेलेरोमीटर है, हेडलाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सारे मिल जाएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएगा। अब वाइड वाइन L1 का सपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखने वाली बात होगी क्या देते हैं। देन उसके साथ साथ आपको कैमरा 2A का भी सपोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक भी है, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेंसर्स एंड अदर्स में आपको कोई इशू नहीं आएगा। स्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट दिया, यानी 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा पाओगे, अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेरियंट दोनों में एक ही आते हैं, 08 में भी और 08i में एक ही वेरियंट है, 8GB 128GB वाला दोनों में है। प्राइसिंग की ही बात है, 08 तो शायद ना आए लेकिन 08i आएगा तो उसका प्राइस अगर 8GB 128GB का मेरे ख्याल से 13,000-14,000 के आसपास रखते हैं तो ये कमाल कर देगा। अब देखने वाली बात होगी किस प्राइस पे रखते हैं। 15,000 के नीचे रहा तो ठीक है, 15,000 के ऊपर अगर चला जाएगा तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ओवर प्राइस है। आज के टाइम के लिए G90T थोड़ा सा पुराना हो गया है, रेडमी नोट 8 से आया हुआ था, नोट 8 प्रो में, नोट 9 गया, अब नोट 10 का सब लोग वेट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड है क्या प्राइसिंग रखते हैं, जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। 2 तारीख को आने वाला है, 2 दिसंबर को, जैसे ही पता चलेगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो वेट कर रहे हो कि नहीं इन्फिनिक्स 08 आएगा? मेरे ख्याल से 08 भी लाने वाले हैं, क्या पता नहीं, देखेंगे जो भी होगा। अभी तो 08i को ही वो लोग टीज कर रहे हैं, अभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं खास ज़्यादा।
देखेंगे जैसे आएगा उसके बारे में तो दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद है, वेट कर रहे हो कि नहीं स्मार्टफोन का जरूर बता देना, और साइड में देखो वेक्टर इमेज उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आंसर अगर लेना है किसी क्वेश्चन का। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।